मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि आज जैसे आपको पता है कि स्कूल वगैरह खुल चुके हैं, तो बच्चे स्कूल जा रखे हैं। छोटे वाले सिस्टर भी स्कूल जा रखी है, सन कॉलेज जा रखी है, और भाई की ऑनलाइन क्लास तो अंदर ही है। तो ऐसे टाइम का पता नहीं चला कब हो गया टाइम। अभी ध्रुवी को मालिश वालिश करके उसको बाहर धूप में बिठाया मम्मी के साथ, तो मम्मी वो बाहर धूप सेक रहे हैं, तब तक मैं नाश्ता कर रही हूँ। और आज नाश्ते में बना है खीर और पूरी। टेस्टी खाना बनाने के पीछे एक मेन रीजन है, जैसे कि आपको बताया संक्रांत है। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जस्ट फ्री हुई हूँ मैं, ध्रुवी जैसे ही बाहर गया तो अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं नाश्ता कर लूँ पहले। बाकी गगर मदर मस्टर कभी सफाई वफाई कुछ नहीं हुई, मम्मी और उन्होंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि मम्मी को कल बुखार वगैरह हो रहा था। फिर मम्मी गैस की दवाई वगैरह भी खाती है, उस चक्कर में मम्मी ने सवेरे सवेरे नाश्ता कर लिया आज पापा के साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही बोला था मम्मी को, मैं कहा तुम मेरा वेट मत करो क्या करो, क्योंकि मैं रात को आपको पता है लेट सोती हूँ, तो मैं सवेरे लेट ही उठती हूँ। फिर मेरे चक्कर में मम्मा भी रह जाते, तो मैंने उनको बोला था तुम पापा के साथ ही नाश्ता कर लेना, क्योंकि पापा सवेरे ड्यूटी जाते हैं जैसे आपको पता है, ऑफिस जाते हैं। तो फिर पड़ा तो क्योंकि पापा ड्यूटी जाते हैं, मैंने कहा सुबह सुबह तुम भी कर लिया करो गर्म गर्म नाश्ता, फिर ऐसा नहीं रहेगा ना, दिन का चक्कर नहीं रहेगा। वरना मेरे साथ साथ तो 12 बजे जाते हैं क्योंकि ध्रुवी भी उठ जाता है, फिर ध्रुवी की मालिश वगैरह इसमें टाइम लग ही जाता है, नहाने धोने में अपने आप करो, हाथ मुंह धो, कुछ भी ना टाइम हो जाता है। तो मेरी मम्मी को कहा पहले तुम कर लेना नाश्ता कर लेना, मेरे बाद रख देना। बाकी सब ने नाश्ता कर लिया, मैं बची हूँ, आज मैं भी इस स्वादिष्ट खाना खाती हूँ और आनंद देती हूँ। मम्मा तो बाहर मतलब ध्रुवी को धूप से का रही है आराम से, तो मैंने यहाँ सफाई फाई कर दी है। अब सबसे पहले मैं किचन साफ करती हूँ, फिर साफ भी मतलब स्लिप वगैरह तो मैंने कर दिया। अभी थोड़े से बर्तन रहते थे क्योंकि आधे बर्तन सवेरे धुल चुके हैं, और थोड़े से ध्रुवी के कपड़े वपड़े हैं धोने के लिए। तो मम्मा बाहर बैठी हुई, तो मैंने कहा मम्मी कर लेती, मम्मी ने कहा नाश्ता करेगी जैसे, तो ऐसे मुझे कॉल कर दो कि अंदर आ जाओ आप, मम्मी कर लेगी काम। तो मैंने कहा चल गर्म पानी है, इस टाइम पे गीजर ऑन था, तो मैंने कहा फटाफट बर्तन भी धो देती हूँ और साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे, है ना। तो चलो फोन चार्ज लगा देती हूँ, तब तक चली गया था। किस टॉपिक की बात कर रही हूँ, तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब लोगों की कुछ ज़्यादा ही हदें पार हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, मैं नहीं सुन सकती। सीरियसली मैं इतना बोझ लेके बोल सकती एक तरीके से अपने मन में नहीं घूम सकती। मेरे जो होता है ना मैं सीधा बोल रही थी, जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक मेरे अंदर वो होता रहेगा और मैं खुद ही हर्ट होती रहूंगी। तो मैं बार बार नहीं हो सकती हर्ट, अपनी छोटी मोटी गलतियां भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोगों को समझ नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पे तो हम अभी आगे बात करेंगे कि सबसे पहले मैं आपसे एक्स्ट्रा टॉक वाली बात करती हूँ, क्लियर। जो कि मैंने प्रमोशन की थी हाल ही में, कुछ टाइम पहले मैंने प्रमोशन की थी एक्स्ट्रा टॉक की। तो वो जाके क्या होता है कि मैंने प्रमोशन की, जिस बंदे को मैंने प्रमोशन दी वो यूट्यूब के लिए दी थी मैंने प्रमोशन, उन्होंने क्या किया, उन्हें मेरी प्रमोशन इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इंस्टा पे भी डाल दी। इंस्टा के लिए मेरे को कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हाँ हम पेड प्रमोशन करेंगे, कुछ नहीं। तो वो एक था प्रमोशन जो कि लोगों ने ले लिया कुछ ज़्यादा ही सीरियस, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें जो गालियाँ पलटी है ना, हाँ मज़ा आ रहा है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं लोगों को पहले तो बोलने की तमीज़ नहीं रही बिल्कुल भी, ऊपर से आज से ज़्यादा लोगों को ये बात पता है कि पेड प्रमोशन है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर भौंक रहे हैं बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बात करना और भोंकना में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब कोई ऐसा बोल रहा है मुझे, कहते हैं कि इसका क्या ये ऐसे लोगों को फ्रॉड के उसमें फंसा रही है, ये कर रही वो कर रही है, फलाना बहुत कुछ बोला गया मुझे प्रमोशन को लेके कि आप झूठी प्रमोशन कर रहे हो ये वो, तो अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको धोखा दे रहे हो। धोखा मैंने स्पेशल जाके नहीं बोला किसी को कि आप वहां जाके बात करो ये वो, कर सकते हो और करो, उसमें भी फर्क है, कर सकते हो करो। और रही प्रमोशन की बात, अमिताभ बच्चन की देखते हो आप, वो तो प्रमोशन करते हैं नवरत्न तेल का, अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं आप उनको फॉलो करते हो तो आप अपने सर में नवरत्न तेल लगाने लग जाते हो क्या, कि उनको गालियां देने लग जाते हो कि उन्होंने, आपको लगता है कि उन्होंने कभी नवरत्न तेल यूज़ किया होगा, लेकिन प्रमोशन की है उस चीज़ की है कि नहीं की है पहले ही बताओ, फिर आप लोग जाके स्पेशल जाके उन्हें बोलते नहीं हो। सेकंड जो अभी चलो ये तो साइड रखा जाए, सेलिब्रिटी करते हैं अलग अलग किस्म के वो करते हैं या प्रमोशन वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा ऐड जो हम देखते हैं जो बीच बीच में ऐड आते हैं वो प्रमोशन ही बोल सकते हैं, उनको ऐड ही बोला जाता है, ऐड प्रमोशन एक ही चीज़ है। तो उन चीज़ों को तो आपने बिल्कुल साइड रख दिया, लेकिन मेरे पे ऐसे कूद रहे हो कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। रही एक्स्ट्रा टॉक की बात, ये प्रमोशन कितने लोगों ने किए पहले बताओ, कितने लोगों ने किए, बहुत सारे लोगों ने किए लेकिन किसी ने वहाँ पर जाके नहीं बोला। सेकेंड चीज़ की मेरी वीडियो जो इतनी वायरल होगी ना एक्स्ट्रा टॉक वाली, ये किस चक्कर में हुई, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ। अगर मैंने किसी से पेड प्रमोशन बोल रखा है ना कि मैं आपकी पेड प्रमोशन करूंगी, तो इतने अच्छे से करूंगी ताकि उस बंदे को भी सामने से दिखे मुझे कि हाँ किसने हमारा काम
ईमानदारी से किया है। अब नॉर्मल सी बात, आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो उसके लिए आपको ईमानदार होना सबसे पहले बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, जो मैं बोला अगर मैं कुछ भी प्रमोशन कर रही हूँ, मैं आपने देखा होगा कोई भी मेरे प्रमोशन की होगी स्पेशल जाके कभी नहीं बोला कि आप खरीदो ही खरीदो या आप लो ही लो या आप स्पेशल उनसे बात करने जाओ जाओ। मैंने कहा खरीद सकते हो आप, जा सकते हो और खरीद सकते हो, ये नहीं बोला कि खरीदो, ये होता है। तो मैंने किसी को पहली बात तो इस उसमें फंसाया नहीं कि फ्रॉड व्रॉड का जो आप मुझे कह रहे हो इतना कुछ बोल रहे हो। सेकंडली आप मेरे को क्या कह रहे हो कि आपके पति भी ना आर्मी में है तो आपके पति भी इसका मतलब झूठी बोलते हैं ये वो करते हैं। मेरा पति कहाँ से आगे, बीच में प्रमोशन तो मैं कर रही हूँ। मुझे बोला नेक्स्ट कि मेरा बच्चा बीमार हुआ था उस टाइम पे, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। तो लोगों ने क्या कहा कि तेरा बच्चा तेरी वजह से बीमार हुआ, ये बोलाना फलाना। तो चलो वो बात ही, मैंने कहा कि चलो भाई मेरी वजह से हुआ होगा, मैंने मान लिया। मतलब एक तो बंदा तो होता है कि बोल रहा है फालतू बोल रहा है, लेकिन एक मैं भी वैसी होंगी, मैं हाँ आपकी बातें सुन रही हूँ। बात की मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, जो वाला टॉपिक उठाया था आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बोला मुझे कि आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है, ये वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें बोली। एक चीज़ ने बहुत कुछ बोला कि जो लिमिट से बिल्कुल अलग था। रही बच्चे के बीमार होने के बाद, तो मौसम परिवर्तन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि मौसम एकदम से ठंड गर्म, एकदम से ठंड गर्म ऐसा हो रहा है। और मेरे बच्चे की पहली सर्दी है, चाहे मैं कितना भी बचाव कर लेती कुछ भी कर लेती, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा असर होता ही है, हर बच्चे पे होता। कौन सा बच्चा ऐसे जो बीमार नहीं हुआ आज तक, पहले बताओ। हर कोई टच फूड के ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन ऐसे बताओ मुझे कि कौन सा बच्चे की जो कभी बीमार नहीं हुआ। अब तो भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा बीमार भगवान नहीं होता, तो खांसी जुकाम वगैरह ये सब हुआ था। तो मैंने अब मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉग का मतलब क्या होता है, जो हमारे दिनचर्या में हो रहा है, जो सवेरे से लेकर शाम तक हो रहा है, मैं आपके साथ हर एक चीज शेयर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब को अपनी एक फैमिली मानती हूँ कि अगर मुझे कुछ तकलीफ है या कुछ है मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन आप क्या करते हो उसके बदले, आप मुझे उल्टा फुल्टा सुना रहे हो ये वगैरह वगैरह। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करो उस टाइम पे, तो कम से कम एटलीस्ट ऐसे सोचा करो कि यार ये अकेली है और इसका पति कितने दूर है इससे, ये वगैरह वगैरह ऐसे तो थोड़ा सा सोचा करो कि यार इसका पति इतना दूर है, ये बेचारे अकेले देख रही सब कुछ, मुझे कितना हर्ट होता है। आपको पता है जब मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई थी ना, तो सामने जब मैं देखती हूँ कि छोटा सा बच्चा, उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों उसके साथ हैं, लेकिन मैं अकेली थी वहाँ पे, मेरी मम्मा भी थी, लेकिन जो एक मम्मी पापा की कमी वो कोई पूरी नहीं कर सकता। मुझे वो देख ऐसा होता है कि हार काश राहुल भी मेरे साथ होता, लेकिन क्या है मुझे बूढ़ी है कुछ नहीं कर सकते, वो वहाँ है इतनी दूर, मैं यहाँ हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन होता पहले तो ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी कुछ, कि मैं अभी उनके साथ जा भी नहीं सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती अभी। लेकिन नहीं, लोगों को वो चीज़ नहीं देखनी, लोगों को ये देखना कि इसकी वजह से इसका बच्चा बीमार हुआ है, ठीक है। चलो ये बात रही कि जो हेटर्स थे, अब आई बात सब्सक्राइबर्स की, तो सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ कोई बात नहीं, ठंड में होता है ये होता है वो होता है अलाना फलाना, तो बहुत कुछ बोला सब्सक्राइबर्स ने, जो मुझे दिल से ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे अपने हैं। तो उनको देख के मुझे ऐसा हुआ यार कि चल कोई बात नहीं, किसी ने उल्टा बोला तो किसी ने इतना अच्छा भी तो बोला कम से कम। अब मैं उल्टे उल्टे लोगों को लेने लगी हमेशा, तो जब मतलब जो लोग इतना अच्छा बोलते हैं उनके बारे में कब सोचूंगी, तो मैंने वो सोचा, वो टॉपिक मैंने वहीं पर खत्म किया कि मैं बोल रही। लेकिन हद कहाँ पर होती है, लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं बोल रही कुछ नहीं बोल रही, तो हम बोलते रहे हम बोलते रहे। मैं पागल थोड़ा ना बैठी यहाँ पे कि आपकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। माना कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है कि जहाँ पे मुझे सुननी पड़ेगी, लेकिन यार हर बात नहीं होती, हद होती है हर एक चीज की, कि हम ना एक चीज सुन सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं सुन सकते। अब आई बात की जो ऐशा टॉक वाली प्रमोशन थी, तो उसमें क्या एक कमेंट आया था कि आपका बच्चा बीमार हुआ ना, लोगों की हाय लगी है तब जाके आपका बच्चा बीमार हुआ है। और ये मुझे टच हुआ ये सीरियसली, कि लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मतलब मैं प्रमोशन कर रही हूँ तो मैं अपना घर चला रही हूँ उस चीज से यार, कि अगर मैं कुछ भी पैसे वगैरह कमा रही हूँ अपना घर, और सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं पता था कि प्रमोशन है। टू सेट जितने भी लोग आए वहाँ पे, बहुत ही मतलब लगा लो 100% में से 2% या 3% रहे होंगे जिनको नहीं लगा कि प्रमोशन है, बाकी सबको पता था कि एस्ट्राडॉक का नाम आ रहा है नीचे से, तो प्रमोशन है, पेड प्रमोशन ऑन की होती है हमने इसलिए कि ये प्रमोशन है। देखिए वो साइड में आपको दिखता है निशान, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं साइड में अपने आप आ जाता है कि पेड प्रमोशन, इसका मतलब कि हमें पैसे मिले इस प्रमोशन के लिए, और हमारा काम ही वही है प्रमोशन करनी है। वो लगी हाथ की लोगों से धोखाधड़ी की, तुमने उनके इमोशन को हर्ट किया, हर्ट किया तो तब होता है जब उनको पता ही ना हो कि प्रमोशन है। सबको पता था कि प्रमोशन, उसके बावजूद भी लोग बोल रहे थे इसमें बेवकूफ कौन हुआ, मैं हुई कि वो फालतू के लोग मुझे फालतू बोल रहे थे। प्रमोशन को तो मैंने क्लियर कर दिया, मैं इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे से ना कुछ उल्टा फुल्टा निकल जाएगा बेमतलब का, क्योंकि ये बात मेरे बच्चे पे भी आ रही, मेरी फैमिली पे आ रही, सब पे आ रही, ठीक है। तो रही प्रमोशन की बात, तो ये तो मैं करूंगी क्योंकि मेरा काम वही है, अगर मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है तो मुझे प्रमोशन भी करनी पड़ेगी, कई बार कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी कि आपको देखना पड़ेगा कि साइड में प्रमोशन मैंने ऑन करके, इसका मतलब ये पेड प्रमोशन है, इसका मतलब मुझे यहाँ से पैसे मिले हैं। अब लोगों ने मुझे बोला कि आप कितने में बिके हो, कौन सा धंधा करो, धंधा थोड़ा सा शब्द का तो यूज़ किया करो ढंग से, कि धंधा क्या होता है, कि कितने में बिके हो, किसी ने तुम्हें खरीद लिया है, खरीद अगर कोई मतलब किसी चीज़ की ऐड कर रहा है इसका मतलब किसी ने उसको खरीद लिया है,
कुछ भी बोला अगर ना किसी बंदे को ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, एटलीस्ट नीचे मत गिराओ। आपको ऐसा लग रहा है शायद, तुम्हें नहीं पता कि 1.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे और यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितनी मेहनत लगी, और आप लोग एकदम से बोल देते हो कि ये करो वो करो वो करो। हमें पता है भाई कि हमें यहाँ से यहाँ चढ़ने में कितना टाइम लगा, खुद ट्राई करके देखो एक बार कितनी मेहनत लगती है। अब ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रमोशन हमें करनी ही पड़ती है। इसके लिए और कुछ ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहूँगी क्योंकि ये सबको पता चल गया होगा, जो एक्स्ट्रा टॉक वाली प्रमोशन है वो एक पेड प्रमोशन थी जो मुझे करनी पड़ी। और रही बात की जो आप मुझे, अगर आपको इतना ही था ना, मैं बस बाकी कुछ शिकायत नहीं मेरी किसी से, मैं बोलती जहाँ पे आप मुझे वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे आप मेरे वहाँ पे आके चैनल पे आके मुझे बोल सकते थे ताकि मैं आपको जवाब दूँ। अब आप किसी के वहाँ पे जाके कमेंट कर रहे हो स्पेशल जाके कि ऐसी वैसी फलाना है फलाना है, ये तो सोचो कि यार मेरे हाथ में मतलब मैं आंखों के सामने वो कमेंट दिख रहे हैं, सब मेरे को शेयर कर रहे हैं।